इस बार 12 नवंबर को दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही धन मिलने और धन में बढ़ोतरी के उपाय भी किए जाते हैं। या ये कहें कि अगर दिवाली के दिन तिजोरी या लॉकर में कुछ खास चीज़ें रखें तो इससे धन दौलत की कमी दूर हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको तिजोरी में रखने से आपके घर धन का आना बना रहेगा। सबसे पहले दिवाली के दिन एक पीपल का पत्ता लें और उसमें कुमकुम से ओम लिखकर लॉकर में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। वहीं दिवाली की पूजा में लोग नोटों की गड्डियां तो पूजा में चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार लोग तिजोरी खाली छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, तिजोरी कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। ऐसा मानना है कि तिजोरी में 10 रुपए के नोटों की गड्डी रखना शुभ होता है। इसके अलावा आप तिजोरी में चांदी, पीतल या तांबे के कॉइन यानी सिक्के भी रख सकते हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पीली कौड़ी जरूर चढ़ाएं। उसके बाद उन कौड़ी को लॉकर में रख दें। ऐसा करने से लॉकर कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि कौड़ी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन एक और खास उपाय कर सकते हैं। अगर आप गोमती चक्र को हल्दी और चांदी के सिक्के के साथ एक पीले रंग के कपड़े में बांध दें और फिर इसे तिजोरी में रखें तो इससे धन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अगर दिवाली की पूजा में सुपारी को कलावा से बांधकर फूल, अक्षत और कुमकुम से इसकी पूजा करें और फिर पूजा खत्म होने के बाद सुपारी को तिजोरी में रख दें तो इससे भी धन लाभ होता है। तो ये थे कुछ खास उपाय। तो इस दिवाली ये सब करके देखिए, क्या पता आप भी मालामाल हो जाएं।